नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बीएसए ट्रेकी क्लासेस में। और हम लेकर आ चुके हैं बच्चों आपके लिए एक और न्यू क्लास। जो बच्चों हमारी आज की क्लास होने वाली है, आप लोग कह सकते हैं हमारी फुली ऑन क्लास बच्चों डेडिकेट होने वाली है ग्रुप डी आरआरबी के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लास तो इम्पोर्टेंट है ही, और क्लास को बच्चों अगर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक भी आपने अगर बीएसए ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे पहले तो बीएसए ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए बच्चों। और एक और चैनल है बीएसए फैक्ट ज्ञान नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर आपके दीपांशु सर डेली बच्चों फैक्ट से रिलेटेड अलग अलग फैक्ट बच्चों वहां पर पोस्ट करते रहते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट बच्चों वो भी है। थोड़ा सा आपको फैक्ट मतलब कह सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ अदर थिंग्स का भी आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो भाई, हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया गया है कि फ्रेमवर्क का रिलेशन यहाँ पे हाउस और स्केल्टन का बच्चों क्वेश्चन मार्क से दे दिया गया। कहने का मतलब ढांचा बच्चों रिलेशन यहाँ से घर का दे दिया है कंकाल का बच्चों क्वेश्चन मार्क से। तो आपका यहाँ तो पसलिया होगा या खोपड़ी होगा या शरीर होगा या बच्चों सुकुड़ता होगा। तो आपके लिए बच्चों इसमें राइट ऑप्शन सर क्या हो जाएगा। अगेन बच्चों आपके पास क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का बच्चों समय है, और राइट ऑप्शन आंसर बता दीजिए हमारा क्या होगा। तो बिल्कुल सही बच्चों, जिस प्रकार ढांचा से ढांचा से लाडलो किसका घर का निर्माण होता है, ठीक है ना, ढांचे से किसका घर का निर्माण होता है बच्चों, उसी प्रकार से आपका कंकाल से शरीर का निर्माण होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या स्केल्टन रिलेशन आपका हो जाएगा बॉडी से। अब जिन भी बालकों का यहाँ पे आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बुल ऑक कार्ट और हॉर्स, आपका बैल का रिलेशन यहाँ पर गाड़ी से दिया गया, घोड़े का बच्चों यहाँ पर रिलेशन क्वेश्चन मार्क से दे दिया गया। या तो बच्चों यहाँ पे जुताई आएगा या सवारी आएगा या दौड़ आएगा बच्चों या तांगा आ जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, प्लग राइट रेस टोंगा। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन सर बच्चों कमेंट करना है। अगेन आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का बच्चों समय है। तो भाई देखो, अगर इसके राइट ऑप्शन आंसर की बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या है, बैल का रिलेशन गाड़ी से दिया गया है, घोड़े का बच्चों क्वेश्चन मार्क से दे दिया गया है। और करेक्ट ऑप्शन आंसर की बात करें तो बच्चों देखिए, जिस प्रकार गाड़ी बच्चों आपको गाड़ी को बच्चों बैल आपका खींचता है, उसी प्रकार से लाडलो हमारा क्या तांगे को कौन खींचता है, घोड़ा खींचता है। और हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला लाडलो हमारा यहाँ पे टांगा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है हमें। बी वाई ई डी ए जी जी डी जे, और आपका क्वेश्चन मार्क प्लेस पे आपको राइट ऑप्शन आंसर बताना है। अगेन आपके पास इस क्वेश्चन के लिए बच्चों 20 सेकंड्स का समय है, और राइट ऑप्शन आंसर कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा। अगर बच्चों इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी वाई ई को नोट डाउन कर दिया, और बी वाई ई के जैसे ही आप लोग यहाँ पे प्लस टू कर दें, अगेन प्लस टू करते हैं और अगेन बच्चों प्लस टू करते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या बच्चों डी ए जी मिल जाता है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग जी डी जे को भी फाइंड आउट कर लें क्या बच्चों,
जी डी जे। तो जैसे ही बच्चों हम लोग जी में प्लस टू करेंगे तो हमें यहाँ पर आई, और टी में प्लस टू करने पर एफ, और बच्चों जे में प्लस टू करने पर क्या एल प्राप्त हो जाता है। तो जो हमारा सी वाला बच्चों हो जाएगा आई एफ एल, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है हमें। भाई अगले क्वेश्चन में वन का बच्चों 36 से रिलेशन दे दिया गया और टू का बच्चों क्वेश्चन मार्क से रिलेशन दे दिया गया है। आपसे यहाँ पे बच्चों क्या करेक्ट ऑप्शन आंसर पूछा गया है, या तो 69 होगा, या बच्चों 49 होगा, या 81 होगा, या बच्चों 70 होगा। इसका राइट ऑप्शन आंसर बच्चों कमेंट कर दीजिए। आपके पास अगेन इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स का बच्चों समय है, और बताइए करेक्ट ऑप्शन आंसर आपका क्या होगा। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर क्या 136 नोट डाउन है, 1 का रिलेशन यहाँ पे 36 से दे दिया गया है। और अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करें बच्चों तो क्या करेंगे, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। तो बस 6 का यहाँ पर स्क्वायर क्या दे दिया गया है, 36 बच्चों दे दिया गया है। देखिए भाई 1 कर दिया प्लस हमने इसमें 5 ऐड कर दिया तो हमें यहाँ पर 6 मिल गया, और 6 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया हमारा, 36 हो गया। सिंपल बच्चों अगला भी इसी तरीके से होगा। तो भाई देखो 2 में भी प्लस 5 करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 में प्लस 5 करने पर आपको 7 मिल जाएगा, और 7 का बच्चों अगर हम लोग यहां पर स्क्वायर कर देंगे तो कितना बच्चों 49 हमारा यहां पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को बच्चों आप लोग चुनिए क्या होगा, हिंदी, सिंधी, उर्दू, गुजराती, और इसका राइट ऑप्शन आंसर बच्चों कमेंट कर दीजिए। लाडो क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, 20 सेकेंड्स का समय है, और राइट ऑप्शन आंसर बच्चों बताइए हमारा यहाँ पर क्या होगा। अगर यहाँ पे बच्चों राइट ऑप्शन की बात करें तो हमको सबको पता है क्या, यहाँ पर जो बच्चों आपकी उर्दू भाषा जो हो जाएगी वो आपकी यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी, आपकी विषम या ऑड हो जाएगी, क्योंकि बच्चों शेष सभी के सभी जो बच्चे आपकी तीन भाषाएं हैं वो बच्चों बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है ना। क्या बच्चों, वह बच्चों बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन हमारी जो उर्दू भाषा है वह दाएं से बच्चों क्या बाएं की ओर लिखी जाती है। और डिफरेंट वन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उर्दू बच्चों हम लोगों का यहाँ पर डिफरेंट वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिन भी लाडलो का आंसर यहाँ पे सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमें। अब यहां पर बच्चों बोला गया है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, और आपके सामने यहाँ पे मैरीगोल्ड, जास्मिन, हरसिंगार और लोटस आपको दे दिया गया, और आपसे बोला गया यहाँ पे डिफरेंट वन का बच्चों चयन करिए। तो भाई मैं इसकी हिंदी अगर लिख दूं तो आप लोग मैरीगोल्ड को कहते हो गेंदा, ठीक है ना, और आप लोग जास्मिन को क्या कहते हो, चमेली, ठीक है, चमेली हो जाएगा। और हरसिंगार जो आपका होता है बच्चों, हरसिंगार ही बोला उसको जाता है हिंदी में भी। एंड बच्चों लोटस को आप लोग बोलते हो कमल। तो अब इसका बच्चों राइट हम लोग को विषम शब्द यहाँ पे बता दीजिए बच्चों क्या हो जाएगा। और आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स का बच्चों समय है। तो भाई देखो अगर इसके राइट ऑप्शन आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही, गेंदा, चमेली तथा हर सिंगार बच्चों स्थलीय पौधे हैं, ठीक है ना। कैसे पौधे हैं, स्थलीय पौधे हैं, जबकि बच्चों आपका कमल चलिए पौधा या फिर पुष्प है। तो कमल हमारा यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला डिफरेंट वन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है हमें।
अब भाई अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, आपका क्या होगा? पी आर टी वी एल एन पी आर ए सी ई जी एम एन पी आर, इसका राइट ऑप्शन आंसर बता दीजिए बच्चों क्या हो जाएगा। और आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का समय है। तो भाई देखो अगर इसके राइट ऑप्शन आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही, बच्चे कमेंट करने लग गए हैं कि सर टी वाला हमारा यहाँ पे डिफरेंट वन हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, अगर आप लोग यहाँ पे पी आर टी वी को फाइंड आउट कर लें तो आपको प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू मिलेगा। भाई पी से अगर हम लोग प्लस टू करेंगे तो हमको यहाँ पर कितना आर फाइंड आउट होता है, और आर से लाडलो अगर हम लोग प्लस टू करते हैं तो आपको टी फाइंड आउट होता है, और टी से अकीन बच्चों अगर हम लोग प्लस टू करते हैं तो हमें यहाँ पर वी फाइंड आउट हो जाता है। इसी तरीके से एल एन पी आर को देख लीजिए बच्चों, तो एल से प्लस टू करने पर आपको यहां पर एन फाइंड आउट होता है, और एन से प्लस टू करने पर हमें पी फाइंड आउट होता है, और पी से बच्चों प्लस टू करने पर आर। इसी तरीके से बच्चों ए सी ई जी को भी अगर आप लोग यहां पे देखें तो ए से प्लस टू करने पर सी, और सी से प्लस टू करने पर ई, और ई से बच्चों प्लस टू करने पर आपका क्या जी फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन हमें यहां से स्पष्ट हो जाता है जो आपका एम एन पी आर है बच्चों यहाँ पे डिफरेंट है, ऑड है, विषम है बच्चों, क्योंकि इसमें टू और टू की वृद्धि बच्चों नहीं हो रही है, टू के बाद प्लस टू की वृद्धि नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पर क्या डी वाला जो आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे दिया गया है कि नीचे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से फिर से बच्चों आपको विषम शब्द को चुनने के लिए बोला गया है। 24, 12, 48, 39 में से डिफरेंट वन बच्चों बताइए क्या होगा। तो भाई देखो दी गई संख्या हमारी यहाँ पर क्या है, 12 है, 24 है, 48 है, तो हमें एक चीज यहाँ पे क्लासिफाई हो जाती है कि भाई क्या 12, 24, 48 बच्चों आपके 12 के गुणज हैं, किसके गुणज हैं, 12 के गुणज हैं। लेकिन बच्चों जो हमारा 39 है वह हमारा बच्चों 12 का गुणज नहीं है, तो डी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दिया गया है हमें। लो भाई आपके सामने फिर से सीक्वेंस पुट कर दिया गया और आपसे बोला गया इसका राइट ऑप्शन आंसर बच्चों बताइए। देखिए इसकी अगर मैं हिंदी यहां पर नोट डाउन करता हुआ चलूं तो पहले तो हिंदी नोट डाउन कर देता हूं। रेन का बच्चों हिंदी मतलब होता है वर्षा, सभी आप लोग सभी लोग ये जानते हो वर्षा। और वाष्प रेशन का जो बच्चों मीनिंग होता है वह होता है वाष्पीकरण। और वाटर का बच्चों यहां पर क्या हो जाता है, जल हो जाता है। और क्लाउड का बच्चों यहां पर बादल हो जाता है। अब इसका बच्चों राइट ऑप्शन आंसर बता दीजिए हमारा क्या हो जाएगा। और आपके पास 20 सेकंड्स का बच्चों समय है। बिल्कुल सही, इसको बच्चों मीनिंगफुल ऑर्डर में बच्चों पुट करना है, ठीक है ना। क्या बच्चों मीनिंगफुल ऑर्डर में। इसके बाद में बच्चों आपका यहां पर डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व आउट करके बताइए राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। भाई अगर हम लोग इसके मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण बच्चों यहां पर बात करें सिक्वेंस की, तो फर्स्ट ऑफ प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। जल के बाद बच्चों आपका वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण से ही हमारे यहां पर क्या बादल बनेंगे, और फिर लास्ट में आपके क्या उन बादलों की वर्षा हो जाएगी। तो देखिए इसको हम लोग पुट कर लेते हैं सही सिक्वेंस में। तो भाई देखो आपका फर्स्ट ऑफ प्लेस पर क्या आएगा, बिल्कुल सही, जल हमारा यहाँ पे, एक मिनट रेड पेन ले लेता हूं। देखिए जल तो हमारा फर्स्ट ऑफ प्लेस पर आ जाएगा, जल के बाद आपका क्या आएगा, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो आप लोग, यहां पर वाष्पीकरण आएगा।
और वाष्पीकरण के बाद में लाडलो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, बादल आ जाएगा हमारा। और बादल के बाद में आपका यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वर्षा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन आंसर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सीक्वेंस चलेगा, कि जल का तो यहाँ पर थर्ड ऑफ नंबर है, वाष्पीकरण का बच्चों सेकंड ऑफ नंबर है, और बादल का फोर्थ और वर्षा का फर्स्ट। तो 3, 2, 4, 1 हमारा यहाँ पे सी वाला करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है हमें। अब आईसीई बच्चों और JDF और KEGLFH आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन मार्क प्लेस पे आपसे राइट ऑप्शन आंसर बच्चों पूछा गया है। इसके पास इस क्वेश्चन के लिए आपके पास अगेन बच्चों 20 सेकंड्स का समय है, और राइट ऑप्शन आंसर बता दीजिए हमारा क्या हो जाएगा, या तो MIG होगा या MHJ होगा या बच्चों MGI और HHI। तो बच्चों इसके लिए आपके पास अगेन क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का बच्चों समय है, और राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। अगर इसके बच्चों राइट ऑप्शन आंसर की हम लोग बात करें तो देखिए आपके सामने यहाँ पर बच्चों क्या नोट डाउन है, आईसीई JDF KEG और LFH क्वेश्चन मार्क प्लेस पे आपसे यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर बच्चों पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे पहले के पहले बच्चों पूरा का पूरा सीरीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, क्या आईसीई JDF KEG और आपका LFH। तो भैया देखिए हमारा अगर आई से प्लस वन करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या आई से प्लस वन करते हो तो हमें यहाँ पर जे मिलता है, और बच्चों सी से सॉरी अगर हम लोग यहाँ पे आई से प्लस वन करते हैं तो आपको हमें जे मिलता है, जे से प्लस वन करने पर क्या बच्चों के प्राप्त होता है, के से प्लस वन करने पर हमें एल, और एल से अगर बच्चों हम लोग प्लस वन करते हैं तो हमें यहाँ पर एन एम फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देख लीजिए सी से अगर आप लोग प्लस का वन करते हो तो आपको डी मिलता है, और डी में भी प्लस वन करने पर आपको ई फाइंड आउट होता है, और ई से प्लस वन करने पर आपको बच्चों एफ, और एफ से प्लस वन करने पर हमें यहां पर क्या जी फाइंड आउट होता है। इसी प्रकार से बच्चों थर्ड वाला देख लेते हैं, तो भाई ई से प्लस वन करने पर आपको एफ फाइंड आउट होता है, और एफ से अगेन बच्चों अगर आप लोग प्लस वन करते हो तो आपको यहाँ पे जी, और जी से बच्चों प्लस वन करने पर एच, और एच से प्लस वन करने पर आपका यहाँ पर क्या आई मिल जाता है। तो आपका जो यहाँ पर एम जी आई जो हो जाएगा बच्चों वही हमारा यहाँ पे सी वाला करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है हमें। भाई आपको बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए बच्चों क्या होगी, 2+2 यहां पर 5 हो रहा है, 3+3 हमारा यहां पे 7, और 3+6 हमारा 11, और 5+25 कितना होगा। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए बच्चों 20 सेकंड्स का समय है, और राइट ऑप्शन आंसर कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा। भाई हमारा यहाँ पर क्या नोट डाउन है, बिल्कुल सही, हमारा यहाँ पर 2+2 5 बोला गया है, और 3+3 हमारा 7 बोला गया, और 6+3 हमारा यहाँ पे 11 बोला गया, तो 5+25 कितना बोला जाएगा। तो भाई देखो अगर इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 2+2 हमारा यहाँ पर क्या बच्चों 4 मिलता है, और उस 4 में बच्चों अगर हम लोग प्लस का 2 कर दें और डिवीजन बच्चों 2 की कर दें तो हमें यहाँ पर कितना बच्चों 4+1 यहां पर कितना बच्चों 5 फाइंड आउट हो जाता है। जूम कर लेते हैं इसको बच्चों। उसी प्रकार से बच्चों 3+3 7 को अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो देखिए 3+3 इक्वल में बच्चों आपको 6 प्लस
थ्री डिवीजन आपको यहाँ पर थ्री और हमें क्या बच्चों सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन मिल जाएगा। और यही बच्चों थ्री प्लस सिक्स को भी यहाँ पर फाइंड आउट करें तो थ्री प्लस सिक्स नाइन प्लस सिक्स डिवीजन हम लोग थ्री कर देते हैं तो हमें यहाँ पर कितना बच्चों नाइन प्लस टू इक्वल टू इलेवन फाइंड आउट हो जाता है। और फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव को अगर क्लासिफाई कर लें तो भाई फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव 30 प्लस 25 डिवीजन आप लोग 5 से कर दीजिए तो हमें यहाँ पर कितना 30 प्लस सॉरी 5 हमें जो मिल जाएगा 35 आपका यहाँ पे बच्चों बी वाला बच्चों लाडो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है। एक राष्ट्रीय नेता किसी विशेष वर्ष में बच्चों 29 फरवरी को पैदा हुए हैं, उनका जन्मदिन बच्चों कब होगा? दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष या बच्चों यहां पे नो ऑप्शन इज करेक्ट। दो साल पर होगा बच्चों या तीन साल पर होगा या बच्चों चार साल पर होगा या इसमें से नो ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाएगा। और आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का बच्चों समय है और राइट ऑप्शन सर बच्चों बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक राष्ट्रीय नेता का किसी वर्ष में 29 फरवरी को पैदा हुए हैं तो उनका जन्मदिन कब होगा भाई, तो हमें यही तो बताना है। देखिए एक राष्ट्रीय नेता जो 29 फरवरी को पैदा हुए तो हमें क्या बच्चों जन्मदिन अब जो उनका पड़ेगा बच्चों वो चार साल बाद मनाया जाएगा क्योंकि लीप वर्ष के चार साल पर ही बच्चों पुनः लीप वर्ष आता है। आपको पता है क्या बच्चों जो आपका लीप वर्ष होता है चार साल बाद ही बच्चों आपका लीप वर्ष रिपीट होता है, तो सी वाला जो हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ना। अब बच्चों फरवरी 29 की होती है और लीप वर्ष में, और यदि जन्मदिन बच्चों लीप वर्ष में हुआ है तो पुनः जन्मदिन बच्चों आपका फिर से लीप वर्ष में ही मनाया जाएगा। तो साधारण वर्ष में हुआ है और तो बच्चों क्या साधारण वर्ष में मनाया जाएगा, लीप वर्ष में यदि कोई यहां पर किसी का जन्म हुआ हो तो बताइए तो उसका बच्चों लीप वर्ष में ही जन्मदिन मनाया जाता है, जिसका साधारण में हुआ तो भाई उसका तो साधारण में मनाया ही जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अब भाई क्वेश्चन है कि सोहन दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला और फिर वह बच्चों बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अब सोहन अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर में है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर? अगेन बच्चों आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड्स का समय देता हूं और राइट ऑप्शन आंसर बच्चों बता दीजिए क्या हो जाएगा। जूम कर देते हैं, चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन सर। एक मिनट, राइट ऑप्शन सर बच्चों बता दीजिए हमारा क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए दिशा का ज्ञान होना बच्चों अति आवश्यक है। अगर आपको दिशा का ज्ञान है तो आपके लिए क्वेश्चन कोई बच्चों हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। देखिए भाई हमको यहां पर क्या सोहन दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो भाई पहले तो दिशा को देख लेते हैं किस तरीके से हो जाएंगी ऊपर की तरफ बच्चों हमारी। एक मिनट, इधर उत्तर बच्चों आपका हो जाएगा और नीचे आपका बच्चों यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा और इधर आपका बच्चों क्या पूर्व हो जाएगा और इस साइड में आपका क्या बच्चों पश्चिम हो जाएगा। तो बस हम लोग इसके सीक्वेंस को देख लेते हैं, यही हमारा इसका सीक्वेंस हो जाएगा। और बोला क्या जा रहा है बच्चों कि सोहन जो है बच्चों दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, हमने यहाँ पर क्या बच्चों
सोहन की दिशा हमने यहाँ पर 30, दक्षिण दिशा में आपका 30 किलोमीटर सोहन चला, तो प्रारंभिक बिंदु हमने यहां पर मान ली और यहां से 30 किलोमीटर भैया सोहन भैया यहां से चल दिए। फिर बच्चों बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, तो यहां से सोहन भैया 50 किलोमीटर चल दिए। देखिए कितना चल रहे हैं, मतलब देख लीजिए आप लोग खुद की, इतना व्यक्ति भी क्या कोई चल सकता है। उसके बाद वह बच्चों उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा आपको पता है इस तरफ हमारी हो जाएगी और यहां से क्या बच्चों 10 किलोमीटर आपका चलेगा। उसके बाद में बच्चों आपसे बोला गया है कि बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। यहां से बच्चों बाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर आपका चला। तो बच्चों यह तो इसकी क्या हो गई, अंतिम क्या हो गई बच्चों, अंतिम बिंदु आपकी हो गई। अब आपसे करेक्ट ऑप्शन आंसर बच्चों पूछा गया है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बच्चों, हम लोग यहां पर क्या, अब सोहन अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पे है, तो बिल्कुल सही, हम लोग 30 में से अगर 10 माइनस कर दें तो हमें कितना बच्चों 20 किलोमीटर आपका यहां पे प्रारंभिक बिंदु में से अंतिम बिंदु को माइनस करेंगे तो करेक्ट आपको ऑप्शन आंसर मिल जाएगा कितना बच्चों 20 किलोमीटर। इट मीन सी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब आपको बच्चों यहाँ पे वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्रिसमस बच्चों यहाँ पर नोट डाउन है, क्रस्ट, स्मार्ट, क्रस्ट और हाम मसे बच्चों, ऐसा कौन सा वर्ड है जो क्रिसमस को बच्चों यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। और आपके पास इस क्वेश्चन के लिए लाडो 20 सेकंड्स का समय है और राइट ऑप्शन आंसर कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा। अगर हम लोग इसके राइट ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल सही आप लोग कमेंट कर रहे हो। यहां पर जो बड़ा बच्चों हमारा क्रिसमस दिया गया है तो उसमें बच्चों यू अक्षर हमको कहीं पर भी उपस्थित नहीं मिल रहा है, तो क्रस्ट जो हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, इसलिए यह क्रस्ट से नहीं बनाया जा सकता है। सी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमें क्या दे रखा है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्पों के शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। भाई एनवायरमेंट आपका यहाँ पर नोट डाउन है, टर्म, रीन, रेंट और रीगन बच्चे, इन चार शब्दों में से कौन सा बच्चों शब्द आपका एनवायरमेंट की मदद से नहीं बनाया जा सकता है। और आपके पास इस क्वेश्चन के लिए बच्चों 20 सेकंड्स का समय है। भाई देखो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो सबको पता है हमारा यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोग कमेंट कर रहे हो बच्चों, हमारा एनवायरमेंट में बच्चों यहाँ पर कहीं भी हमको जी उपस्थित नहीं लग रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या बच्चों रिगन जो आपका हो जाएगा डी वाला ही करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा लाडलो। चलो अगले क्वेश्चन पे बच्चों बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है बच्चों की वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे मैन्युप्लेट आपका यहाँ पर है, पॉल्यूट और पेंट और मेंटल और प्लेट आपका यहाँ पे दे दिया गया है। एक ऐसा कौन सा शब्द है बच्चों जो मैन्युप्लेट की हेल्प से नहीं यहाँ पर शब्द बनाया जा सकता है। और आपके पास अगेन बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का समय है और राइट ऑप्शन आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा।
भाई देखो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट वाला जो आपका पॉल्यूट है यही करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्यों बच्चों? हमारे मूल शब्द में हमको यहाँ पे डबल एल नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों सिंगल एल दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे बच्चों करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है हमें। अब बच्चों यहां पर है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट को शब्द को बच्चों एच के टी यू वे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में बच्चों सेकंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। और आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का समय है, और राइट ऑप्शन आंसर बच्चों बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो भाई हमने यहां पर क्या फर्स्ट को नोट डाउन कर दिया, तो देखिए अब आपका क्या है, एफ से अगर आप लोग प्लस का टू करते हो तो हमें यहां पर एच मिलता है, और आई से अगर आप लोग प्लस टू करते हो तो हमें यहां पर बच्चों के फाइंड आउट होता है। इसी प्रकार से आर में अगर आप लोग प्लस टू करते हो तो टी, और एस में प्लस टू करने पर हमें यू, और टी में बच्चों प्लस टू करने पर कितना बच्चों वी फाइंड आउट हो जाता है। तो हमें पता चल गया फर्स्ट से बच्चों एच के टी यू वी में प्लस टू का सिक्वेंस बैठा है। इसी प्रकार से सेकेंड को बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं, तो चलिए उतार लेते हैं यहां पर क्या सेकेंड एस ई सी ओ एन टी, तो भाई एस में भी प्लस टू करेंगे तो हमें यहां पर कितना बच्चों यू मिल जाएगा, ई में भी प्लस टू करने पर आपको जी प्राप्त होगा, आप भाई सी में प्लस टू करोगे तो आपको ई, और ओ में प्लस टू करते हो तो क्यू, और एन में प्लस टू करने पर आपको पी, और डी में प्लस टू करने पर एफ मिल जाएगा। तो भाई यू जी ई क्यू पी एफ आपका यहां पर करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चों। तो हमारे यहां पे बच्चों राइट ऑप्शन आंसर तो आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। बच्चों हमारे यहां पर क्या है UGEQDF, तो बच्चों हमारे यहां पे राइट ऑप्शन आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। नया फिफ्थ नंबर पर डाल लीजिए नन ऑफ, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दिया गया है। तो भाई यहां बोला गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में बच्चों फादर शब्द को एफ बी टी आई ई एस लिखा जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा जाता है? FBTIES लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बच्चों सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा, और आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का समय है, और राइट ऑप्शन आंसर बच्चों बता दीजिए हमारा क्या हो जाए। तो भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहां पर फादर को नोट डाउन कर लेते हैं एफ ए टी एच ई आर, और उसी के जस्ट बाद में अगर हम लोग एफ से यहां पे प्लस का जीरो करेंगे तो हमको यहां पर एफ ही रहेगा, और ए में अगर हम लोग प्लस वन करेंगे तो हमें यहां पर बी मिल जाएगा, और टी में प्लस जीरो करने पर आपका यहां पर टी ही रहेगा, और एच में अगर प्लस वन करते हैं तो आपको यहां पर बच्चों क्या आई फाइंड आउट हो जाता है, और ई में प्लस जीरो करने पर आपको ई ही रहेगा, और आर में प्लस वन करने पर आपको यहां पर क्या एस मिल जाता है। तो देखिए एफ बी टी आई ई एस हमारा यहाँ पे प्लस जीरो प्लस वन प्लस जीरो प्लस वन का सिक्वेंस चला, यही बच्चों हमारा सिस्टर में भी चलेगा। तो भाई देखते हैं सिस्टर को नोट डाउन कर लेते हैं एस आई एस टी ई आर, तो भाई एस से प्लस जीरो करने पर हमें क्या बच्चों मिलता है एस मिलता है, और आई से प्लस वन करने पर हमें यहाँ पर जे, और एस से प्लस जीरो करने पर एस, और बच्चों टी से प्लस वन करने पर आपको यू, और ई से बच्चों प्लस जीरो करने पर ई मिलेगा, और आर से बच्चों प्लस वन करने पर एस। तो भाई हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा एस जे एस यू ई एस ए वाला करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे बच्चों बोला गया है यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई और माइनस का अर्थ प्लस, और मल्टीप्लाई का अर्थ भाग और भाग का अर्थ बच्चों माइनस है, तो इस इक्वेशन में बता दीजिए इंटरचेंज करने के बाद राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। और आपके पास लाडो 20 सेकंड्स का समय है।
अगर बच्चे उसके राइट ऑप्शन आंसर की बात करें तो देखिए प्लस को यहाँ पर क्या बोला गया, तो आप कहोगे सर प्लस को तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बोला गया, माइनस को बच्चों क्या यहाँ पर प्लस बोला गया, और मल्टीप्लाई का बच्चों अर्थ यहाँ पर डिवीजन, और डिवीजन का बच्चों अर्थ हमारा माइनस बोला गया। तो बस यहीं पर बच्चों इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपको क्या 9 डिवीजन आपको 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 डिवीजन आपका 10 और माइनस 3, तो हमें यहाँ पर बच्चों कितना 9 बाय 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 बाय 10 माइनस 3, और हमें यहाँ पर बच्चों कितना 9 बाय 2 प्लस आपको 1 बाय 2 माइनस 3, और हमें यहाँ पर बच्चों क्या 10 बाय 2 माइनस 3 हमें 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 जो बच्चों मिल जाएगा, ए वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है हमें। अगर बच्चों 6 मल्टीप्लाई 18 इजिकल टू 33 है, और बच्चों 9 इजिकल टू 36 इजिकल टू बच्चों आपका 4 हो रहा है, तो बच्चों 12 इंटू मल्टीप्लाई 60 इजिकल टू आपका 5 हो रहा है, तो 15 मल्टीप्लाई 225 आपका क्या होगा। अगेन बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का समय है, और राइट ऑप्शन आंसर बच्चों बता दीजिए हमारा क्या हो जाए। भाई अगर इसका राइट ऑप्शन आंसर फाइंड आउट करें तो देखिए 6 मल्टीप्लाई आपका कितना 33 लिखा रखा है, तो हम लोग इसको क्या बच्चों 18 डिवीजन आपका 6 इजिकल टू 3 हमें यहां पर मिल रहा है। एक मिनट, इसको 1 3 हटा दीजिएगा, और फिर बच्चों देखिए 9 मल्टीप्लाई 36 को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करके 4 लेकर आते हैं, तो देखिए 36 डिवीजन 9 इजिकल टू हमें 4 प्राप्त हो जा रहा है, और 12 मल्टीप्लाई जो आपका 60 है, तो देख लीजिए 60 डिवीजन आपका 12 और हमें यहाँ पर 5 फाइंड आउट होता है। तो आपका इसी तरीके से 515 मल्टीप्लाई 225 को अगर फाइंड आउट करें बच्चों, तो 225 डिवीजन आपका 15 और हमें यहाँ पर क्या बच्चों 15 जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। 7:12 डबल रेशियो बच्चों 19 के बाद में रेशियो आपका दे दिया गया, क्वेश्चन मार्क प्लेस पे आपसे राइट ऑप्शन आंसर पूछा गया है, और आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का समय है, और राइट ऑप्शन आंसर बच्चों बता दीजिए हमारा क्या हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, तो भाई देखो 7:12 और फिर डबल रेशियो के बाद आपका 19 के बाद क्वेश्चन मार्क का आपका रेशियो पूछा गया, और आपके पास बच्चों इसका आंसर बिल्कुल सही आप लोग कमेंट करने लग गए हो, तो बिल्कुल ठीक बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पे राइट आंसर इसका फाइंड आउट करें तो देखिए क्या 2 का स्क्वायर प्लस 3 कर देते हैं, और 4 प्लस 3 हम लोग कर देंगे तो हमें यहाँ पर 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग का जो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस उसमें 3 करते हैं तो हमें 9 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 12 मिल जाएगा, 4 के स्क्वायर में प्लस अगर 3 करते हैं तो 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19, और वही बच्चों हमें लास्ट में भी पुट करना है, 5 का स्क्वायर कर देना है प्लस 3 कर देना है, तो आपको यहाँ पर कितना 25 प्लस 3 और 28 जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर राइट ऑप्शन आंसर बच्चों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दिया गया है कि दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप से खाली स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ए डी आई सी एफ के ई एच एम क्वेश्चन मार्क प्लेस पर बच्चों क्या आएगा, राइट ऑप्शन आंसर कमेंट कर दीजिए, और आपके पास बच्चों यहां पे 20 सेकंड्स का समय है। भाई देखो हमारा यहाँ पे ए डी आई सी एफ के और ई एच एम नोट डाउन है, अगर हम लोग इसको क्लैरिफाई करें तो देखिए ए से अगर आप लोग प्लस का 2 करते हो तो कितना हमको यहाँ पर बच्चों सी मिल जाता है, ठीक है ना, प्लस 2 करने पर सी, और सी से अगर प्लस 2 करते हैं तो हमें यहाँ पर बच्चों कितना ई फाइंड आउट हो जाता है,
और ई से बच्चों अगर हम लोग प्लस टू कर दें तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या जी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डी से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस टू करते हैं तो हमें यहाँ पर बच्चों कितना एफ फाइंड आउट होता है, और एफ से बच्चों प्लस टू करते हैं तो एच, और एच से बच्चों अगर प्लस टू करते हैं तो हमें क्या बच्चों यहाँ पर जे मिल जाता है बच्चों। यही अगर आई से प्लस टू करें के तक में तो हमें प्लस टू करना पड़ रहा है, फिर बच्चों के से एम तक में भी प्लस टू करना पड़ रहा है, एम के बाद प्लस टू करने पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही ओ हमारा आ जाएगा, जी जे ओ हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बालको हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है हमें, 7, 10, 8, 11, 9, 12 क्वेश्चन मार्क प्लेस पे आपसे राइट ऑप्शन आंसर पूछा गया है, इसका राइट ऑप्शन आंसर बच्चों कमेंट कर दीजिए, आपके पास 20 सेकंड्स का समय है। तो भाई देखो 7 से अगर हम लोग यहाँ पे पहले 7, 10, 8, 11, 9, 12 को देख लें तो 7 से अगर हम लोग प्लस का 3 करते हैं तो हमें 10 मिलता है, और 10 से माइनस 2 करते हैं तो 8, और 8 से बच्चों अगर हम लोग प्लस 3 करते हैं तो 11, और 11 से अगर हम लोग माइनस 2 करते हैं 9, और 9 से प्लस 3 करने पर बच्चों क्या हमें यहाँ पर 12 मिल जाता है, 12 से अगर हम लोग माइनस 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना बच्चों सी वाला आपको करेक्ट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्यादा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और पीएसए